हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ बैजू में। देखिए, आज की क्लास में इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो आज कुछ बेसिक चीज़ जो है सो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के बारे में जानते हैं। तो आइए देखिए, जहाँ तक कि आपको नाम से ही स्पष्ट लग रहा होगा कि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है सो हम लोग आर्क वेल्डिंग का यूज कर रहे हैं, आर्क वेल्डिंग हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक सप्लाई के द्वारा। ठीक है, तो इसमें से क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई देकर आर्क को प्रोड्यूस करते हैं, और आर्क को जो प्रोड्यूस करते हैं उससे क्या होता है कि मेटल को हीट कर होता है, मेटल जो है सो हीट होता है। जब मेटल हीट होता है आर्क के कारण से, तो जो है सो फिर वहाँ पे एक इलेक्ट्रोड्स रहता है, जो इलेक्ट्रोड्स जो है सो डाला जाता है। ठीक है, तो देखिए आप इस डायग्राम के द्वारा आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, देखिए ये इलेक्ट्रोड्स है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड्स है, और यहाँ पे जो है सो वर्क पीस है। देखिए, यहाँ पे वर्क पीस है जिसे ज्वाइंट करना रहता है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रोड्स में जो मेन बीच में जो रहता है उसे कहते हैं कोर। ठीक है, और जो साइड में जो ऊपर चढ़ा रहता है कुछ कोटेड, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग शील्ड। ठीक है, और जो स्लैग रहता है यहाँ पे, स्लैग पर जहाँ हम लोग काम करते हैं। ठीक है, और ये है इलेक्ट्रोड डेप्थ, मतलब कि जो वेल्डिंग होता है, तो वेल्डिंग के कारण से जो इस इलेक्ट्रोड्स का मेटल जो है सो गल के नीचे बैठता है, कितना डेप्थ तक जो है सो बैठते जाता है, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड डेप्थ। ठीक है, इरेक्टर डेप्थ, ये है आपका इरेक्टर। पेरेंट मेटल हम लोग किसे कहते हैं वो समझिए। मान लीजिए इस मेटल में आपको एक ये मेटल को जोड़ना है, तो ये कहलाएगा आपका पेरेंट्स मेटल। ठीक है, तो यहाँ पे इरेक्टर पेरेंट मेटल है, मतलब कि पेरेंट मेटल पे जो है सो कितना डेप्थ का जो है सो बनेगा वेल्डिंग होगा आर्क के कारण से। ठीक है, तो वो आपका इरेक्टर पेरेंट मेटल कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप डायग्राम में देख रहे होंगे। ठीक है, तो अब काम कैसे करता है, कैसे वेल्डिंग होता है वो देखिए। जब हम लोग करंट सप्लाई देते हैं, ठीक है, जब हम लोग करंट सप्लाई देते हैं, कहाँ पे करंट सप्लाई देते हैं, एक हम लोग इलेक्ट्रोड्स में देते हैं और एक हम लोग इसमें देते हैं नीचे जहाँ पे मेटल्स रहता है ना वहाँ पे। ठीक है, तो जब हम लोग करंट सप्लाई इसमें देते हैं इलेक्ट्रोड्स में और इसमें नीचे वाला प्लेट में, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोड्स को जब हम लोग टच करेंगे मेटल्स को, ठीक है, उस मेटल को जहाँ पे हम लोग को ज्वाइंट करना रहता है, तो क्या करेगा ये इसके बीच में और ये इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या करेगा, एक जो सो कंटिन्यूटी बनाएगा। ठीक है, और जब कंटिन्यूटी बनाएगा तो क्या होगा, करंट जो है सो सप्लाई होगा, और जब करंट सप्लाई होगा तो इस इलेक्ट्रोड को जहाँ पे हम लोग टच करेंगे वहाँ पे क्या होगा, आर्क क्यों फॉर्म करता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोड्स रहता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड्स इस तरह से बनाया रहता है कि जैसे ही इसको टच करेंगे हम लोग इसमें, तो ये जो है सो पिघलने लगेगा। ठीक है, तो आर्क फॉर्म करता है, तो आर्क फॉर्म करने के बाद जैसे ये इलेक्ट्रोड्स पिघलता है, और ये इलेक्ट्रोड्स उसी जगह पे हम लोग डालते हैं जहाँ पे हम लोग को ज्वाइंट करना रहता है। ठीक है, इस तरह से ये जो है सो ज्वाइंट होता है। ठीक है, आगे देखिए, देखिए इस चीज़ यही सब जो है सो इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग जो रहता है वो कितने तरह से क्लासिफाई किया है। मेनली जो सो एक होता है कार्बन वेल्डिंग और दूसरा होता है मेटल आर्क वेल्डिंग। तो आपको पढ़ना है मेटल आर्क वेल्डिंग। ठीक है, तो आइए देखिए, मेटल आर्क वेल्डिंग को फिर दो तरह से क्लासिफाई किया है, एक बेयर मेटल आर्क वेल्डिंग और दूसरा है शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग को फिर चार तरह से क्लासिफाई किया है, एक है कोटेड इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग, दूसरा है H2 शील्डिंग आर्क वेल्डिंग, तीसरा है इनर शील्डिंग आर्क वेल्डिंग, चौथा है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। ठीक है, तो आइए आगे देखिए, आर्क फॉर्म कैसे करता है, आर्क का फॉर्मेशन कैसे होता है, आप इस में जो है सो आप देखिए
फिर नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ आर्क, तो आर्क का फॉर्मेशन कैसे होता है वो आप समझिए। देखिए इसमें आर्क जो है सो कैसे फॉर्म करता है वो चीज़ आपको समझना है, ठीक है। तो आपको एक हम सिंपल डायग्राम के द्वारा समझाते हैं। मान लीजिए ये मेटल्स है और ये मेटल्स है, ठीक है, ये मेटल्स है, दोनों मेटल्स को ज्वाइंट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सप्लाई देते हैं इसमें और एक रहता है इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, और इस इलेक्ट्रोड्स जो रहता है ये इलेक्ट्रोड्स इसमें सप्लाई आ रहता है। यहाँ पे मान लीजिए आपका जनरेटर है, ठीक है, और यहाँ पे रहता है ऐसे, तो ये इलेक्ट्रोड्स जो है सो टच करते हैं, ठीक है, इस पर टच करते हैं, यहाँ पे टच करते हैं और फिर जो है सो इसे बैक ले जाते हैं। बैक ले जाने के बीच में ये इलेक्ट्रोड्स और इस मेटल के बीच में तीन से छः एमएम का डिस्टेंस रहता है, 3 से 6 एमएम का, ये दोनों के बीच में 3 से 6 एमएम का डिस्टेंस रहता है। तो करंट जो है सो फ्लो कंटिन्यूस होते रहता है। कैसे फ्लो होता है कि ये जो एयर रहता है ये मेटल्स और ये इलेक्ट्रोड्स के बीच में यहाँ पे जो है सो आयोनाइज्ड हो जाता है, और आयोनाइज्ड हो जाता है तो यहाँ पे जो है सो करंट जो है सो कंटिन्यूस फ्लो होने लगता है एज ए आर्क के फॉर्म में, ठीक है, एज ए आर्क के फॉर्म में। और इस तरह से यहाँ पे जो है सो आर्क प्रोड्यूस करता है तो ये मेटल्स जो है सो पिघलने लगता है, ये मेटल जो है सो इलेक्ट्रोड्स का जो मेटल रहता है वो पिघलने लगता है। और जब पिघलता है तो आप इस इलेक्ट्रोड्स को जहाँ पे आप ड्रॉप कीजिएगा वहीं पे जो है सो इसका मेटल्स जो है सो इलेक्ट्रोड्स का जाके जो है सो गिरेगा, ठीक है। तो इस तरह से एक बार ऊपर एक बार नीचे करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे आपको इस इलेक्ट्रोड्स का मटेरियल्स को, इस मान लीजिए ये इलेक्ट्रोड्स है, इस इलेक्ट्रोड्स का मटेरियल्स को आपको जहाँ पे ड्रॉप करवाना है, जिस जगह पे आपको वेल्डिंग करना है वहाँ पे आप जो है सो इसे डालिएगा, पुश कीजिएगा ऐसे, तो ये आपका इलेक्ट्रोड्स जो है सो गल के गिरते रहेगा। जनरली सब लोग जो है सो इसको देखे होंगे वेल्डिंग करते हुए मशीन का, ठीक है, और वर्कशॉप वगैरह में सभी जगह पे रहता है ये आर्क फॉर्मेशन का, ठीक है। तो इस तरह से ये आर्क फॉर्मेशन करता है। और आगे देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ आर्क में क्या है, देखिए इट रिड्यूस मोर वोल्टेज टू स्ट्राइक ऑन आर्क देन टू मेंटेन इट, मतलब वोल्टेज जो है सो घटता है जब इसमें हम लोग स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन आर्क फॉर्मेशन मोर हीट इज प्रोड्यूस एनोड वेयर इलेक्ट्रॉन्स इंटर, ठीक है, इलेक्ट्रोड जो रहता है एनोड, देन कैथोड, कैथोड के कंपेरिजन में जो है सो एनोड में जो है सो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो आर्क वेल्डिंग वी कैन नॉट वर्क पीस टू बी वेल्डेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डीसी सप्लाई में लोग इसको यूज नहीं, इसलिए ये आर्क वेल्डिंग जो रहता है वो पॉजिटिव टर्मिनल नहीं रहता है, वर्कपीस जो रहता है ना वो जहाँ पे लोग वेल्डिंग करते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल नहीं रहता है, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल हम लोग जनरली कहते हैं जो इलेक्ट्रोड्स रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड है इलेक्ट्रिक आर्क हैज नेगेटिव रेसिस्टेंस कैरेक्टरिस्ट, ठीक है, कैरेक्टर जो होता है वो नेगेटिव रेसिस्टेंस कैरेक्टर होता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ आर्क ब्लो, ठीक है, इफेक्ट ऑफ आर्क लेंथ। तो आर्क जैसे कि मान लीजिए ये आर्क फॉर्म करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स है, यहाँ पे आर्क फॉर्म कर रहा है, तो इसके लेंथ के ऊपर जो सो क्या इफेक्ट पड़ता है, कितना डिस्टेंस जो सो वर्कपीस से ऊपर रखना चाहिए, कितना डिस्टेंस जो सो नीचे रखना चाहिए, ये सारा चीज़ जो सो आपको जानना है इफेक्ट ऑफ आर्क लेंथ में, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि आर्क का जो लेंथ होता है, ठीक है, आर्क जो फॉर्म करता है उसका लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है आर्क का रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा कि कम होगा, वो डिपेंड करता है आर्क के लेंथ पे। अगर जो है सो घटेगा, अगर जो है सो आर्क का लेंथ जो है सो घटेगा तो रेसिस्टेंस भी जो है सो घटता है, और अगर जो है सो आर्क का रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो जो है सो आर्क का लेंथ इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, और रेसिस्टेंस अगर इंक्रीज करता है तो डायमीटर जो है सो घटता है। इस तरह से आर्क जो है सो फॉर्म नहीं कर पाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं, देखिए मान लीजिए ये मेटल पीस है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड्स है, ये आपका इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है,
और आर्क आपका यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, ये बिंदु बिंदु दे रहे हैं ना, यहाँ पे आपका आर्क फॉर्म कर रहा है ठीक।